भोपाल के वार्ड 33 में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन चल रहा है। यहां प्रतियोगिता स्थानीय पार्षद आर के बघेल के नाम से चल रही है। इस प्रतियोगिता में दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के सभी वार्डों की कबड्डी टीमों ने हिस्सा लिया है। आयोजक रामेश्वर राव दीक्षित ने बताया कि आज की युवा पीढ़ी मोबाइल में व्यस्त है, इसलिए उन्हें मोबाइल की दुनिया से बाहर निकालकर खेलों से जोड़ने के लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन कराया जा रहा है, जिसमें करीब दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की 25 से अधिक टीमों ने हिस्सा लिया। साथ ही इस कबड्डी प्रतियोगिता में महिलाओं का शो मैच भी कराया गया। ये वार्ड नंबर 33 के जो हमारे पार्षद हैं आरके सिंह बघेल, उनके नाम से कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ पर आज प्रारंभ हुआ है। और इस प्रतियोगिता में हम लोगों की मानसिकता ये है कि जो खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए, और चूँकि दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी हमारे वार्ड आते हैं 12 वार्ड, उन 12 वार्डों के क्षेत्रों खिलाड़ी हमने लिया है। और चूंकि श्रम क्षेत्र के लोग ज़्यादा इसमें खेलते हैं, तो आजकल जो देखा गया है कि सब लोग लड़के आजकल के युवा टीमी युवा जो लोग हैं युवा पीढ़ी है वो मोबाइल पर व्यस्त रहती है। और चूंकि यह कबड्डी का खेल एक माटी का खेल है, लोग इसको भूलते जा रहे हैं, क्रिकेट की तरफ ज़्यादा ध्यान इसका हो रहा है। तो हम लोगों ने सब बैठ कर मिलकर तय किया, बघेल साहब और अपने नरेश मिश्रा जी सब टीम तय किया कि कबड्डी आयोजन का होना चाहिए। आज उसी के तारतम्य में यहाँ पर आयोजन हो रहा है। और इस आयोजन में 28 टीमों ने हिस्सा लिया है जो कि हमारे दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। और जो हमारा पहला पुरस्कार वो 11,000 है, दूसरा पुरस्कार हमारा 5,500 रुपये है, और कुछ हर आकर्षण पुरस्कार यहाँ पर हम दे रहे हैं। जो भी खिलाड़ी अच्छा खेलता है उसको भी यहाँ पर पुरस्कार हम दे रहे हैं। महिलाओं की टीमों ने भी हिस्सा लिया, हमने देखा। हाँ, महिलाओं की टीम ने हिस्सा लिया, सो मच था वो महिलाओं का, लड़कियों का, और बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा महिलाओं का, उनको भी हमने यहाँ पर पुरस्कृत किया है।